नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल में जिसका नाम है स्टडी फॉर जुडिशरी। फ्रेंड, इस वीडियो में बात करेंगे इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के नेक्स्ट पार्ट की, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के बारे में देखते हैं। इस वीडियो में क्वेश्चन बन जाता है, वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। स्टार्ट करते हैं। अनुच्छेद 92, प्रधान न्यायिक अंग। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय संयुक्त राष्ट्र का प्रमुख अंग होगा, वह संलग्न संविधि के अनुसार जो कि स्थायी अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की संविधा पर आधारित है और प्रस्तुत घोषणा पत्र का एक अभिन्न भाग है, ये कार्य करेगा। मतलब अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय को संयुक्त राष्ट्र ने एक प्रमुख न्याय अंग माना है। अनुच्छेद 93, इसमें पक्षकार बताए गए हैं। यह माना जाता है कि संयुक्त राष्ट्र के सभी सदस्य अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की संविधि को स्वीकार करते हैं। जितने भी संयुक्त राष्ट्र के सदस्य होंगे वो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की संविधि को स्वीकार करेंगे। जो राष्ट्रीय संयुक्त राष्ट्र का सदस्य नहीं है वह भी अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की संविधि को स्वीकार करने वालों में शामिल हो सकते हैं। यानी कि अगर कोई संयुक्त राष्ट्र का सदस्य नहीं है तो भी वो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की संविधा को स्वीकार करने वाला हो सकता है, परंतु यह उन शर्तों के आधार पर किया जा सकेगा जो प्रत्येक मामले में सुरक्षा परिषद की सिफारिशों पर महासभा द्वारा निश्चित की जाएगी। जो महासभा निश्चित करेगी उनके अकॉर्डिंग ये किया जाएगा, उनकी सिफारिश पर ही किया जाएगा। अगला अनुच्छेद 94, विनिश्चय पालन। संयुक्त राष्ट्र का प्रत्येक सदस्य प्रत्येक ऐसे मामले में जिसमें वह एक पक्ष है अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के निर्णय का पालन करने का वचन देता है। यदि कोई पक्ष न्यायालय द्वारा दिए गए किसी ऐसे निर्णय के अधीन जिसका पालन करना उसके लिए आवश्यक हो अपने दायित्व का पालन नहीं करता है तो दूसरा पक्ष सुरक्षा परिषद का आश्रय ले सकता है। सुरक्षा परिषद यदि आवश्यक समझे तो ऐसे उपायों की सिफारिश कर सकती है या उन्हें निश्चित कर सकती है जो निर्णय का पालन करने के लिए किए जाएंगे। इसमें विनिश्चय पालन करने के लिए दो बात बताई हैं, पहला और दूसरा पॉइंट। अगला है अनुच्छेद 95। अनुच्छेद 95 कहता है कि प्रस्तुत घोषणा पत्र, ये जो घोषणा पत्र था संयुक्त राष्ट्र महासभा का घोषणा पत्र था, इसमें कोई भी बात संयुक्त राष्ट्र के सदस्यों को इस बात से नहीं रोकेगी कि वे उन समझौतों के आधार पर जो उस समय लागू हों या जो भविष्य में संपन्न किए जाए अपने मतभेदों को सुलझाने के लिए अन्य अधिकारों को सौंप दें। ठीक है, अगला कह रहा है इनकी जो सलाहकारी राय होगी। अनुच्छेद 96, महासभा या सुरक्षा परिषद किसी विधिक प्रश्न पर परामर्श रूप में अपनी राय देने के लिए अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय से अनुरोध कर सकता है। मतलब ये जो महासभा है और जो सुरक्षा परिषद है दोनों किसी भी विधिक प्रश्न पर अपनी राय देने के लिए अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय को अनुरोध कर सकती है, बता सकती है कि आप ऐसा कर सकते हैं। दूसरा है कि संयुक्त राष्ट्र के अन्य अंग, जितने भी अन्य अंग हैं और विशेष अभिकरण भी जिन्हें महासभा ने किसी समय इस संबंध में प्राधिकृत किया हो, ऐसे विधिक प्रश्नों पर जो उनके कार्यकलाप के क्षेत्र में आते हों न्यायालय से परामर्श के रूप में अपने न्याय देने का अनुरोध ये कर सकते हैं। मतलब ये भी कर सकते हैं, ये भी कर सकते हैं। आगे देखना सचिवालय। देखिए, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय से क्वेश्चन बन सकता है इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन में। और फ्रेंड, व्हाट्सअप नंबर जो है वो डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप वहाँ से व्हाट्सअप नंबर ले सकते हैं। फ्रेंड, नोट्स हिंदी और इंग्लिश दोनों में है, आप जिसको भी नोट्स चाहिए। यूपीजे के लिए बात कर रही हूँ फ्रेंड, मैं यूपीजे प्री की बात कर रही हूँ। प्री के लिए जिसको नोट्स चाहिए वो मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकता है। आगे है सचिवालय। अनुच्छेद 97, सचिवालय। मुख्य प्रशासनिक अधिकारी, सचिवालय में एक सचिव, एक महासचिव और संघ की आवश्यकता अनुसार अन्य कर्मचारी वर्ग रहेगा। सुरक्षा परिषद की सिफारिश पर महासभा द्वारा सचिवालय को नियुक्ति की जाएगी, वह संघ का प्रमुख शासक अधिकारी होगा। ये इसमें बताया गया मुख्य प्रशासनिक अधिकारी के बारे में जो महासचिव होगा। अनुच्छेद 98, महासचिव के कार्य। जो महासचिव होगा उसके क्या कार्य होंगे? तो महासचिव महासभा, सुरक्षा परिषद, आर्थिक और सामाजिक परिषद और न्यायधारिता परिषद की सभी बैठकों में उसी हैसियत से कार्य करेगा जो अन्य कार्यों को करेगा जो इस अंग के द्वारा उसे सौंपे जाते हैं। मतलब वो इन सब में ऐसे ही कार्य करेगा जैसे कि कार्य उसको करने हैं। महासचिव संघ के कार्य के संबंध में महासभा को वार्षिक कब रिपोर्ट भी भेजेगा। अनुच्छेद 99, अनुच्छेद 99 कहता है कि महासचिव सुरक्षा परिषद का ध्यान किसी भी ऐसे मामले की ओर आकर्षित कर सकता है जिसकी राय में अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को खतरा हो। मतलब ये भी अंतर्राष्ट्रीय शांति सुरक्षा को खतरे को समाप्त करने के लिए अपनी राय या अपना ध्यान आकर्षित कोई भी कार्य कर सकता है। अनुच्छेद 100 कहता है कि महासचिव एवं कर्मचारियों पर निर्बंधन।
अपने कर्तव्यों को पूरा करने में महासचिव और उनके कार्यकारी वर्ग किसी सरकार से या संघ से भिन्न किसी अन्य प्राधिकारी से ना तो अनुदेश मांगेंगे ना प्राप्त करेंगे। वे कोई कार्य ऐसा नहीं करेंगे जिससे केवल संघ के प्रति उत्तरदायी अंतर्राष्ट्रीय अधिकारियों के रूप में उनकी प्रतिष्ठा को कोई आघात पहुँचे। अगला है, दूसरा पॉइंट कह रहा है कि संयुक्त राष्ट्र का प्रत्येक सदस्य इस बात के लिए प्रतिश्रुत है कि वह महासचिव और उसके स्टाफ के उत्तरदायी के पूर्ण तथा अंतर्राष्ट्रीय स्वरूप का सम्मान करेगा और उनके अपने उत्तरदायी का पालन करने के कार्य पर किसी प्रकार का प्रभाव डालने का प्रयत्न नहीं करेगा। अगला है अनुच्छेद 101। देखिए अनुच्छेद 100 में बताया गया है कि जो महासचिव है उस और जो कर्मचारी है उनका निबंधन क्या है, और 101 में बताया गया इसके कर्मचारी, तो इसके कर्मचारी स्टाफ की नियुक्ति जो है महासचिव के जो महासभा द्वारा है इनके द्वारा की जाएगी। आर्थिक तथा सामाजिक परिषद को, न्यायधारिता परिषद को और आवश्यकता अनुसार संयुक्त राष्ट्र के अन्य अंगों को स्थायी रूप से समुचित कार्यकारी वर्ग दिया जाएगा। कार्यकारी वर्ग की नियुक्ति में और सेवा की शर्तों के निश्चित करने में सर्वाधिक महत्व इस बात पर दिया जाएगा कि कार्य दक्षता, कार्य क्षमता और निष्ठा का सर्वोच्च स्तर प्राप्त किया जा सके। इस ओर की समुचित ध्यान दिया जाएगा। कार्यकारी वर्ग की भर्ती यथासंभव अधिक से अधिक व्यापक भौगोलिक आधार पर की जाएगी। फ्रेंड, ये दोनों टॉपिक आपके लिए बहुत ज़रूरी थे, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय और सचिवालय, इन दोनों से क्वेश्चन बनने के पूरे पूरे चांसेस हैं। फ्रेंड, जो हमने ये संयुक्त राष्ट्र का घोषणा पत्र पढ़ा है इसमें इंपॉर्टेंट बातें मैंने आपको बता दी हैं, और अगर आपको इसकी PDF चाहिए तो आप मुझे व्हाट्सएप में बता सकते हैं, नंबर आपको दे दिया, आपको पूरी PDF मिल जाएगी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन की। नेक्स्ट चैप्टर हम लोग जल्दी स्टार्ट करेंगे, आप बाकी फ्रेंड इसको खुद भी आप इसको पढ़ सकते हैं, आपको समझ में आ जाएगा सारे नोट्स, ये बहुत अच्छे नोट हैं फ्रेंड। तो इस वीडियो में इतना ही, जल्दी ही नेक्स्ट वीडियो अपलोड कर दी जाएगी। थैंक यू।